हेलो गाइस, स्वागत है आपका बायोलॉजी क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम किंगडम ऑनडा का पार्ट 7 करेंगे। तो उसका फर्स्ट टॉपिक है साइनोबैक्टीरिया। जो साइनोबैक्टीरिया है उसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, BGA, और साइनोफाइसी एंड माइक्सोहाइसी कहते हैं। इसके कॉमन नेम है साइनोबैक्टीरिया के। जो साइनोबैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट है। मींस ये ग्राम पॉजिटिव ही है, उसमें फोटोसिंथेसिस भी होगी इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दैट इज वाई इसे हम कहते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है साइनोबैक्टीरिया। अब कोई साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करे तो उसे उसकी थाइलाकॉइड्स में या उसके मेम्ब्रेन में, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में पिगमेंट्स भी होना जरूरी है फोटोसिंथेटिक। वो कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड एंड फाइकोबिलिन्स। नेक्स्ट इज फूड स्टोरेज की साइनोबैक्टीरिया फूड किस फॉर्म में स्टोर करके रखता है अपनी बॉडी में, अपनी सेल में? इन दी फॉर्म ऑफ साइनोफाइसिन स्टार्च, इसे हम अल्फा ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। लिपिड ग्लोब्यूल्स मीन्स इसे हम कहते हैं, अनदर नेम है बीटा ग्रेन्यूल्स एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। नेक्स्ट जो हमारा साइनोबैक्टीरिया का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डेट इज रेड सी। रेड सी मीन्स क्या होता है कि जो एक साइनोबैक्टीरिया जिसे हम उसका कॉमन उसका नेम है ट्राइकोडेस्मियम रिथ्रासियम, ट्राइकोडेस्मियम रिथ्रासियम है। जब ये वाला साइनोबैक्टीरिया है उसकी जो सी अबंडेंसी है मीन्स या उसकी पॉपुलेशन है सी में ज़्यादा हो जाती है, समुद्र में ज़्यादा हो जाती है, जो हमारा समुद्र है सी है वो रेड इन कलर दिखने लगता है, तो उसे हम कहते हैं रेड सी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ या अबंडेंसी ऑफ साइनोबैक्टीरिया डैट इज ट्राइकोडेस्मियम रिथ्रासियम। अरिथ्रासियम से आप याद रख सकते हो कि अरिथ्रोसाइट्स जो हमारे RBC होते हैं वो रेड इन कलर होते हैं, तो आप इसकी स्पीसीज को याद रख सकते हो कि ट्राइकोडेस्मियम अरिथ्रासियम। नेक्स्ट हम करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ साइनोबैक्टीरिया सेल। जो साइनोबैक्टीरिया सेल है वो यूनिसेलुलर है, मीन्स एक सिंगल सेल में एग्जिस्ट करेगा, और क्लोनियल मीन्स क्लोनी बन के ग्रुप में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आप नॉनस्टॉक, जो नॉनस्टॉक है वो क्लोनियल साइनोबैक्टीरिया सेल है, और फिलामेंट है कि फिलामेंट की फॉर्म में भी हो सकते हैं। जो हमने फिलामेंटस की बात करनी है, ईच फिलामेंट किससे बना होता है? म्यूसिलस शीट से बना होगा एंड सेलुलर स्टैंड जिसे हम कहते हैं ट्राइकोम्स। ये फिगर में हम देखते हैं, जैसे मैंने बताया कि ईच फिलामेंट किससे बना होगा? म्यूसिलस शीट, जो डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर बना उसे हम कहते हैं म्यूसिलस शीट। एंड सेलुलर स्टैंड, ये सेलुलर स्टैंड है जिसे हम कहते हैं ट्राइकोम। नेक्स्ट हमारे जो ट्राइकोम है वो होमोसिस्टस भी हो सकता है, मीन्स सेम साइज के सेलुलर स्टैंड हो, उनमें कोई डिफ्रेंशिएशन ना हो, तो उसे हम कहते हैं होमोसिस्टस ट्राइकोम। नेक्स्ट है हमारा होम हिट्रोसिस्टस, मीन्स उसमें क्या होंगे, बीच बीच में, इन बिटवीन या एट द एंड, हिट्रोसिस्ट एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा उसे हम कहते हैं हिस्ट्रोसिस्टस ट्राइकोम। इसकी एग्जांपल आप याद रख सकते हो कि होमो की है ऑसिटलेरिया, एंड जो हमारी हिट्रो की है उसमें आएगा नॉनस्टॉक एंड एनाबिना। ये हम इसमें मैंने बता दिया फिगर से ही, होमोसिस्टेस एंड हिट्रोसिस्टेस, अनडिफ्रेंशिएटेड डिफ्रेंशिएटेड, इसकी एग्जांपल मैंने बता दी है। नेक्स्ट हमने ये भी याद रखना है कि जो फ्लैजेला है, जो साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजेला इज टोटली एब्सेंट। एब्सेंट होने की वजह से दिस जो साइनोबैक्टीरिया कौन सी मूवमेंट शो करेगा? ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करेगा। अब हमने साइनोबैक्टीरिया की एग्जाम्पल्स देखनी है कि साइनोबैक्टीरिया में कौन कौन से मेम्बर्स इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑसिटुलेरिया टुलोरिया, नॉनस्टॉक एनाबिना, अर्थ्रोस्फोरा, स्पायरोलिना एंड रिब्यूलेरिया,
ये सारे एग्जाम्पल हैं साइनोबैक्टीरिया के। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि नॉन स्टॉप कौन सी फैमिली किसका मेंबर है, एनाबिना किसका मेंबर है, ये सारे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे सेल स्ट्रक्चर। जो साइनोबैक्टीरिया का सेल है वो लार्जर होता है एज कम्पेयर टू द बैक्टीरियल सेल। इसकी सेल वॉल में भी पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है, सेम ही है इसका जो बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर है उससे सिमिलर है काफ़ी। डीएनए नेक्ड होगा विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, 70S राइबोसोम होंगे, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स सच एज ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी अपरेटस, ये सारे न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस, ये सारे क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। इसके एक मेन फीचर याद रखना है हमने, जो सेल वॉल है साइनोबैक्टीरिया वो 4 लेयर्ड होती है, 4 लेयर में एग्जिस्ट करती है। जो हमारा पेप्टिडोग्लाइकन है वो 2nd लेयर में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम करेंगे क्रोमोप्लास्ट। जैसे हमारा ये साइनोबैक्टीरिया है उसके जो आउटर पार्ट होता है प्रोटोप्लास्ट का, उसमें क्या होता है फोटोसिंथेटिक थाइलोकॉइड्स होते हैं, उसे हम कहते हैं, उस पोर्शन को हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। अब हमें पता है ये थाइलोकॉइड्स में कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट हो गए, क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल, फाइकोबिलिन्स, ये सारे प्रेजेंट होंगे। जैसे फिगर में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फर्स्ट ये उसका सेल स्ट्रक्चर है, बाहर उसकी म्यूसलेस शीट होगी, एक सेल को बताइए म्यूसलेस शीट होगी इसकी। उसके बाद हम देखेंगे सेल वॉल प्रेजेंट है, फर्स्टली सेल वॉल प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन उसकी जो ये फूड रिजर्व है, पॉलीसेक्राइड मीन्स यही वाला साइनोफाइसिन, ये सारे साइनोफाइसिन, ग्रेन्यूल्स, स्टार्च है या लिपिड ग्लोब्यूल्स है, ये सारे इस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। जो ये वाला आउटर पोर्शन है, इस आउटर पोर्शन में ये बताया हुआ दिख भी रहा है, इसके आउटर पोर्शन में जो प्रोटोप्लास्ट के वहां पे प्रेजेंट होते हैं ये थाइलाकोइल स्ट्रक्चर, ये जो लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ट्यूबुलर फॉर्म में, इसे हम कहते हैं थाइलाकोइड स्ट्रक्चर्स हैं। ये थाइलाकोइड्स हैं, ये आउटर पोर्शन में ही प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। अब थाइलाकोइड्स के पास क्या होता है, फाइकोबिलिसोम्स प्रेजेंट होते हैं ये, और ये फाइकोबिलिसोम के पास क्या हो गया, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जिसे हम कहते हैं फाइकोबिलिन्स। ये फिगर में जैसे बताया है कि ये डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, ये स्टॉक लाइक है, ये डॉट 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 दिख रहे हैं इसके ऊपर, ये हैं फाइकोबिलिन्स। ये फाइकोबिलिन्स अब 3 टाइप्स के प्रेजेंट हैं, फाइकोसाइनिन मीन्स ये ब्लू कलर के होंगे, साइनिन से याद रखना है, साइनिन ब्लू, एलो फाइकोसाइनिन्स ब्लू, ये भी ब्लू ही होंगे, फाइको एरिथ्रिन, एरिथ्रिन से ये रेड कलर होंगे। ये सारे फाइकोबिलिन्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं थाइलाकॉइड में। इनका फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की तरह ये एक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा साइनोबैक्टीरिया है उसके पास क्या होते हैं, गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सेम स्ट्रक्चर हम बैक्टीरिया में जैसे पढ़ा था कि सब वैक्यूल्स एब्सेंट होंगे, गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। जो गैस वैक्यूल्स है वो किससे बने होते हैं, गैस वेसिकल से। ये हमने नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा याद रखने वाला है कि जो साइनोबैक्टीरिया का डीएनए वो नेक्ड होगा, सर्कुलर होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, बट ये किस कहाँ प्रेजेंट होता है, इन द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म। तो हम इस स्ट्रक्चर को क्या कह देते हैं, मीन्स जो साइनोबैक्टीरिया के न्यूक्लियस को हम क्या कह सकते हैं, सेंट्रोप्लाज्मा। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, सेंट्रोप्लाज्मा। जैसे एग्जाम फिगर में है ये वाला स्ट्रक्चर को क्या हम कहेंगे, सेंट्रोप्लाज्मा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इन द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट हम करेंगे हिस्टोसिस्ट। ये इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, इंक्लूड होता है ये साइनोबैक्टीरिया में कि हिस्टोसिस्ट क्या होते हैं। हिस्टोसिस्ट एक थिक वॉल सेल होता है जो साइनोबैक्टीरिया के किसी भी मेंबर में, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था नॉन स्टॉक और एनाबिना में, उसके जो ट्राइकोम में ये प्रेजेंट होता है।
ये टर्मिनल भी हो सकता है इन पोजिशन, इंट्रा कैलरी मीन्स इन बिटवीन भी हो सकता है, और लेटरल इन पोजिशन भी हो सकता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये इम्परमिएबल टू ऑक्सीजन तो होता है कि ये ऑक्सीजन को अंदर बाहर आने नहीं देता, बट परमिएबल टू नाइट्रोजन होता है कि नाइट्रोजन को आने जाना उसकी मूवमेंट को उस अलो करता है। नेक्स्ट इसके पास सेम ही होगी म्यूसिलर शीट, फोटोसिस्टम, सेकेंड फाइकोविलिसोम एंड फोटोसिंथेसिस एब्सेंट होगी, कि ये वाले सारे जो स्ट्रक्चर हैं या प्रोसेसेस है एब्सेंट होती हैं हिस्टोसिस्ट में। नेक्स्ट साइक्लिक फॉस्फोराइजेशन अकर है, ये भी याद रखना है, हमने ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं। और नेक्स्ट वन भी इम्पॉर्टेंट ही है कि इसके पास हिस्टोसिस जो सेल हैविंग नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज एक एंजाइम है होता है जो हेल्प करता है इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन में। हिस्टोसिस का मेन फंक्शन यही होता है कि उसने नाइट्रोजन को फिक्स करना है। अब ये देख लो फिगर में, हमने कि जो ये हिस्टोसिस्ट होगा उसके पास म्यूसिलर शीट भी नहीं होती है, म्यूसिलर शीट नहीं है, कोई भी फाइकोबिलिनसोम नहीं है, फाइकोबिलिनसोम नहीं होंगे तो उसके पास कोई भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होगे तो फोटोसिंथेसिस होगी नहीं। बस ये हमने याद रखना है थोड़ा सा। नेक्स्ट हम करेंगे इसके एग्जांपल्स में कौन कौन सी है, थोड़ा थोड़ा एग्जांपल की थोड़ी थोड़ी सी डिटेल करेंगे। सब फर्स्ट वन है जो स्पायरोलिना, स्पायरोलिना इज स्पायरली फ्री फ्लोटिंग फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है। फ्री ये हमने याद रखना है, स्पायरली स्पायरोलिना से हमने याद रखना है स्पायरली है। और इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी साथ में करवा रही हूँ कि इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है कि ये प्रोटीन का रिच सोर्स है, कि इसको कई जगह पे खाया भी जाता है। इट कंटेन्स मिनरल्स, विटामिन्स, विटामिन में बी12, फैटी एसिड, मीन्स मेन ये रिच सोर्स होता है प्रोटीन का। 55 to 68% इसमें प्रोटीन होती है। और इस बैक्टीरिया को हम एज ए मिन्योर भी यूज कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट सुपर फूड भी यूज कर सकते हैं। ये WHO ने इसे माना है कि ये ग्रेटेस्ट सुपर फूड है, ये WHO ने इसे माना है। नेक्स्ट हम करेंगे ऑस्सी ट्यूलोरिया, ऑस्ट्रेलिया के में क्या है, ये हमने याद रखता है कि एक इक्वेटिक साइनोबैक्टीरिया है, इक्वेटिक साइनोबैक्टीरिया है, अनब्रांच होती, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं होती, अनब्रांच सिंगल ट्राइकोम है, हैविंग पेंडुलम लाइक मूवमेंट, इसीलिए इसका हमने नाम भी, जैसे ऑसिलेशन मूवमेंट होती है ना पेंडुलम की, ऐसे ऐसे फिजिक्स में आपने देखा ही होगा, ये ऑसिलेशन मूवमेंट की वजह से इसका नाम भी ऑस्टिटुलेरिया रख दिया है। जैसे इस फिगर में देख सकते हैं आप, जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं ये स्पायरल स्पायरल होना है इन स्पायरल फॉर्म, एंड ऑस्टिटुलेरिया है, ये सिंगल अनब्रांच स्ट्रक्चर है, और ये कैसे मूवमेंट शो करता है, ऑस्टिलेशन मूवमेंट, ऑस्टिलेशन मूवमेंट शो करता है। नेक्स्ट इज नॉन स्टॉक, नॉन स्टॉक तो आप इसके कॉमन नेम है मून स्प्लिट फॉलन स्टार एंड स्टार जेली, ये सेम अनदर नेम है इसके। और इसमें याद मेनली हमने रखना है ये क्लोनिया सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करती है, और उसका जो ट्राइकोम है वो एस शेप होता है बीडेड हैविंग हिट्रोसिस्ट। अब इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होगी, इसके पास हिट्रोसिस्ट है तो ये किस में हेल्प करेगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगी, इसके पास एबिलिटी होती है कि नाइट्रोजन को फिक्स कर सके और जो बैरन या अनयूजर जो सॉइल होती है उसको उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट हमने करना है एनाबिना, एनाबिना भी एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है, और ये किसके साथ सिम्बियोसिस शो करती है, अजोला, अजोला एक फर्न है, उसके साथ ही सिम्बियोसिस शो करके नाइट्रोजन फिक्सेशन में करने में हेल्प करती है। तो टुडे आज हम इतना ही करेंगे, साइनोबैक्टीरिया का टॉपिक खत्म हुआ, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर आपके पास कोई भी डाउट होता है
प्लीज़ आप कमेंट कर में ज़रूर उसको डालें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।